जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज महामुनिषी मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिषी विराट सागर जी महाराज की जय। जय जय इस संसार में हम सब एक सामूहिक यात्रा में जी रहे हैं, लेकिन इस पूरी यात्रा की विशेषता यह है कि यात्रा सामूहिक है और यात्री अकेला है। समूह में सब चल रहे हैं पर हैं अकेले। भीड़ भरे इस जीवन में एकत्व की अनुभूति का नाम ही एकत्व भावना है। कभी आपने महसूस किया कि मैं अकेला हूं? अपने आप को अकेला महसूस करना अलग बात और अकेला पड़ जाना अलग बात। ऐसा तो अनेक बार अनुभव में आया होगा कि मैं अकेला पड़ गया हूं, अभी मेरे साथ कोई नहीं, एकदम अकेला निरुपाय। ये अनुभव तो हर व्यक्ति को नित्य प्रति होता है, लेकिन बात आज मैं उसकी नहीं करने जा रहा हूं। मैं अकेला हूं ये अनुभूति कभी हुई? आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो या कहूं इस जीव को साथी सगा न कोई। अपने जीवन पर दृष्टिपात करें तो आप पाएंगे कि मैं हर पल अकेला हूं। जब मैंने जन्म लिया तब अकेला था, जब मरूंगा तो भी अकेले मरूंगा। ये जीवन की सच्चाई है कि नहीं? जन्मा तो अकेला और मरूंगा भी तो अकेला। और थोड़ी देर सोचो, एक मिनट के लिए विचार करो, काश यदि ऐसा होता कि मैं अपने साथ मेरा पूरा परिवार जन्म लिया होता, सब एक साथ जन्मे होते तो क्या होता? क्या होता? सब सहोदर बन जाते, व्यवस्था बिगड़ जाती। और कहीं ऐसा होता कि मैं मरता और मेरा पूरा कुनवा मर जाता एक साथ, कोई चाहेगा? व्यवस्था ही नहीं। जन्मना भी अकेला, मरना भी अकेला और जीना भी अकेला। मैं अकेला जन्मा हूं अकेला मरूंगा ये तो फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन मेरा जीवन, मुझे जीना भी अकेले है
ऐसा अनुभव। मेरा जीवन अकेले का जीवन है, ये कभी महसूस किया, ये अनुभव हुआ? ये तो कई बार लगता है, कोई साथ देने वाला नहीं है, बिल्कुल अकेला हूं, खालीपन लग रहा है, एकदम लाचार असहारे जैसे दिख रहा हूं, बेसहारा जैसा दिख रहा हूं, कोई नहीं। कई बार आपको लगता है कि मैं अकेला हूं, लगता है कि नहीं लगता? घर में बाकी सदस्य बाहर चले गए, मन में लगता है बिल्कुल अकेला हूं, पत्नी पीहर चले गई, बच्चे बाहर चले गए, घर में अकेले खाली लग रहा है। अरमानों से भर करके बेटी की विदाई की, सब चले गए, खाली खाली लग रहा है, जैसे कोई नहीं। ये अकेलापन बिछोह के कारण होता है, कोई नहीं है, खालीपन लग रहा है। बेटा अभी तक साथ दे रहा था, किसी बात से नाराज हुआ, अपना घर अलग बसा लिया, मन में आ गया अरे सारा संसार स्वार्थ का संसार है, कोई किसी का नहीं। ये अकेलापन मन में कई बार आता है, ये विद्वेष जन अकेलापन है, वैमनस्य जन अकेलापन है। बिछोह के कारण अकेलापन, विद्वेष के कारण अकेलापन, पर कभी वैराग्य या विवेक के कारण अकेलापन का अनुभव हुआ? मेरे मन में जब विवेक जगेगा, उस पल जिस एकत्व की अनुभूति होगी, वो मेरे जीवन में एक नया रंग भरेगी। विवेक जागृत हो, कोई मेरे लिए साथ नहीं देता, ये बहुत दूर की बात है, कोई मुझे साथ दे नहीं सकता, ये सच्ची बात है। साथ देता नहीं, ये स्थूल बात, साथ दे नहीं सकता, ये वास्तविक बात। कभी आपने ऐसा सोचा कि कोई मेरा साथ नहीं दे सकता? उसे पल पल अनुभव करो, उसे गहराई में जाने की कोशिश करो। जब तक तुम्हारे लिए सबका अनुकूल व्यवहार होता है, सब अपने लगते हैं, अरे वाह कितना बढ़िया, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, और किसी बात को लेकर नाराज ले ली हो गया, अरे क्या बताएं, ये तो कंस की शक्ल का है, क्या हो गया, ये श्रवण कुमार कंस कैसे बन गया? मतलब सद रहा था तब तक अपना था, अब मतलब टकराने लगा, स्वार्थ टकराने लगा तो सब पराया। ये एकत्व नहीं, ये स्वार्थ प्रेरित एकत्व है जो मनुष्य को उलझाती है। संत कहते अध्यात्म प्रेरित एकत्व का अनुभव करो। कोई साथ दे न दे ये तो संसार है, साथ दे भी नहीं सकता। कोई तुम्हारा कितना भी प्रिय हो, कितना भी आत्मीय हो, तुम्हारा जीवन अकेला है। मान लीजिए आपके सिर में दर्द हो तो दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है? आपके सिर में बाम लगा सकता है, सिर को दबा सकता है, तुम्हारे लिए सहानुभूति के चार शब्द सुना सकता है, तुम्हारे साथ पूरी रात जग सकता है, लेकिन क्या तुम्हारे दर्द को ले सकता है? सहानुभूति प्रकट कर लेगा लेकिन दर्द को बांट नहीं सकेगा। दर्द को, पीड़ा को तो तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा, ये सच्चाई है कि नहीं? और भोगते हो कि नहीं? अकेले ही भोगते हो। ऐसा नहीं कि वो चाह नहीं रहा, चाह रहा है, लेकिन उसकी एक सीमा है, वो मुझे वो दे नहीं सकता और मैं उससे ले नहीं सकता। जब तक मेरे अंदर इन्फेक्शन है, मुझे दर्द भुगतना पड़ेगा,
वो बाह्योपचार कितना करे, जब तक मेरे जीवन में मेरे अशुभ कर्म का उदय मुझे दुख भोगना पड़ेगा, वो चाहे कितना भी बड़ा निमित्त क्यों ना बन जाए। शुभ कर्म के उदय से मेरे लिए सारे शुभ संयोग मिलते हैं और अशुभ कर्म के उदय में मुझे सारे दुस्संयोग मिलते हैं। अच्छे या बुरे जो भी संयोग हो, भोगना मुझे अकेला पड़ेगा। सामने वाला केवल निमित्त बन सकता है, क्योंकि मैं अकेला हूं। मैं एकाकी, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मैं अकेला हूं, ये अनुभव करो। बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, मुंबई जाना था। पिता उसे ट्रेन में बैठा के आया, लौटने पर पत्नी ने पूछा, बेटे को बिठा दिया? हाँ बिठा तो आया हूं। ट्रेन में बड़ी भीड़ थी, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, उसको सीट मिल गई, अच्छी जगह बिठा दिया है, सब कुछ है। तो इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं, भीड़ बहुत थी और वो अकेला है। आप तो कह रहे बहुत भीड़ है, फिर अकेला कैसे? भीड़ है पर उसका कोई नहीं, वो अकेला है। जा अकेला रहा है, पहली बार मुंबई जा रहा है, अकेला है, बस यही सोच रहा हूं भगवान की दया से सकुशल पहुंच जाए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यही स्थिति हमारे जीवन की नहीं है? इस भीड़ भरी यात्रा में हर यात्री एकाकी है, सबको अपनी सारी यात्रा अकेले पूरी करनी है। तुम्हारी इस यात्रा में कोई सहभागी बनने वाला नहीं है, ये अनुभूति तुम्हें है क्या है? दो चीजें, एक संयोग और एक साथ। संसार में संयोग मिल सकते हैं पर साथ नहीं। संयोग का मतलब क्या है? ये सभा बैठी एक संयोग है, सब आए अपने अपनी दिशा से, सब आते जा रहे, इकट्ठे होते जा रहे हैं, प्रवचन खत्म होगा, सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, ये संयोग। संयोग, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, भीड़ बैठी है, बहुत सारे यात्री हैं, सब बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, चल रहे हैं, अपना अपना पड़ाव आ रहा, उतरते जा रहे हैं, ये संयोग। सांझ ढलने पर अनेक दिशाओं से पक्षी आए, पेड़ पर बसेरा किए, रात भर रहे, सुबह हुई अपनी अपनी दिशा में फुर, ये संयोग। संयोग सहज है, साथ नहीं। संयोग सहज है, साथ नहीं। मेरे साथ जो है वो महज संयोग है, साथ नहीं। साथ तो वो कहलाता है जो हमेशा हमारे हाथ हो, मेरे अनुकूल चले, न भूतो न भविष्यति। इसलिए संत कहते हैं, इस एकत्व की अनुभूति करो, अपने हृदय में ये बात स्थापित करो कि मैं सबके बीच हूं पर अकेला हूं। महाराज, ऐसी एकत्व की बात करने से हमारे अंदर स्वार्थ की भावना नहीं आएगी, हम स्वार्थी नहीं बन जाएंगे? नहीं, ऐसी भावना आने पर तुम स्वार्थ से ऊपर उठ जाओगे। अभी तुमने जिसे स्वार्थ समझा है वह केवल स्वहित की बात है, और हम तुम्हें जिस तरह ले जाना चाह रहे हैं वह स्वहित से सर्वहित की बात है, वो परमार्थ है, स्वार्थ नहीं। स्व का भी हित, सर्व का भी हित। एकत्व की अनुभूति करने का मतलब ये नहीं है कि तुम सन्यासी बनकर के बैठ जाओ। एकत्व को समझने का मतलब तो केवल ये है कि
तुम जहां भी रहो आत्म बोध के साथ रहो। यहां पर की अस्वीकृति है, पर स्वयं का स्वीकार भाव भी है। अभी तो तुम जी रहे हो, आत्ममुग्धता में जी रहे हो, आत्मबोध ही नहीं कि तुम हो कौन, तुम्हारी वास्तविकता क्या है, तुम्हारी असलियत क्या है, कभी आपने सोचा? पर के साथ संयोग में मनुष्य जब जुड़ा रहता है तो यही स्थिति होती है। एकत्व भावना कहती है, घिरे रहो परिवार से पर भूलो न ये विवेक। घिरे रहो संसार परिवार से पर भूलो न ये विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक, बस ये विवेक। सब में रहो, स्वयं में रमो। सबके साथ रहते वे भी उनके मध्य उलझना नहीं, स्वयं में रम जाने की प्रवृत्ति का नाम। स्वयं में रम जाने की प्रवृत्ति का नाम एकत्व है। उस एकत्व की अनुभूति हमारे भीतर होनी चाहिए। हम उस एकत्व को अपने जीवन में प्रकटाने की कोशिश करें, वो एकत्व हमारे भीतर घटे, जीवन की सच्चाई का बोध हो। और ऐसा होने से हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। ऐसे में दो दोषों से हम बचेंगे और दो गुण हमारे भीतर प्रकट होंगे। आज की चार बातें, आशक्ति, अपेक्षा। आशक्ति, अपेक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्मबोध। आसक्ति और अपेक्षा हमारे दुख का मूल है, अशांति और आकुलता की जननी है। आज तुम्हारे मन में जो भी दुख है, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, वो दूसरों के कारण नहीं, तुम्हारे मन की आसक्ति के कारण है, तुम्हारे मन में पलने वाली अपेक्षाओं के कारण है। अपने अंदर पनप रही आसक्ति का विश्लेषण करके देखो, तुम्हारा मन जिसके प्रति भी आसक्त हुआ है उससे हासिल क्या हुआ है? आसक्ति से आज तक मिला क्या? तुम्हारे शरीर में आसक्ति, संपत्ति में आसक्ति, परिजनों से आसक्ति, भोगों से आसक्ति, ये आसक्ति आखिर तुम्हें दी क्या? कभी विचार किया आसक्ति क्या है जो मनुष्य को नित्य दौड़ाए? वो आसक्ति है जो एक जगह बैठने न दे, दौड़ते रहे दौड़ाते रहे, वो आसक्ति है। गुरु शिष्य चले जा रहे थे, एक व्यक्ति एक गाय को रस्सी से बांध करके ले जा रहा था। गुरु ने शिष्य से पूछा, ये बताओ गाय आदमी से बंधी है कि आदमी गाय से बंधा है? गाय आदमी से बंधी है या आदमी गाय से बंधा है? बोले गुरुदेव जाहिर है, गाय बंधी है, आदमी के हाथ में रस्सी है, गाय आदमी से बंधी। गुरुदेव ने कहा गलत। बोले ये बताओ यदि रस्सी आदमी के हाथ से छूट जाए तो गाय आदमी के पीछे भागेगी या आदमी गाय के पीछे भागेगा? कौन किसके पीछे भागेगा? हाँ, तुमने जिन्हें पकड़ा है उनने तुम्हें पकड़ा या तुमने उन्हें पकड़ रखा? मनुष्य के मन की आसक्ति उसे दौड़ाती है, और इस आसक्ति का मूल कारण मोह है। मोह होता है अपने परिवार परिजनों के लिए,
अपने साथ जो हमने जोड़ा है उसके प्रति और इस शरीर के प्रति। चलो ये मेरे हैं, ये मेरे काम में आएंगे, ये मेरे हैं, ये मेरे काम में आएंगे, और जिंदगी भर मनुष्य उन सब के पीछे लगा रहता है, पर कोई किसी के काम नहीं आते। सब एक दिन छूट जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके मन में जुड़ाव किसके प्रति होता है, किससे जुड़ाव होता है? जिसे आप अपना समझते हो, अपनत्व ही तो जुड़ाव है। जिसे अपना समझते हैं उससे जुड़ाव होता है, यही अपनत्व आगे आसक्ति का रूप ले लेती है। एकत्व भावना कहती किसे तुम अपना मान रहे हो, अपना है कहां, सब सपना है, सब अपने अपने हैं, तुम अपने में हो, सब अपने में हो, पहचानो कोई तुम्हारा नहीं है, सब अपने अपने हैं, इसलिए अपने में रहो, अपने में रमो। आसक्ति पनपेगी? जब हमें इस सच्चाई का बोध हो जाता है तो हमारे अंदर की सोच बदल जाती है। किसी को हम अपना मान रहे थे, अब लगा नहीं भैया इससे हमारा नाता नहीं है, ये कोई और है, ये मुझसे भिन्न है। इस भिन्नता के बोध से ही आसक्ति समाप्त हो जाती है, विरक्ति का अंकुर फूट जाता है, और जहां आसक्ति मंद होती है जीवन की धारा परिवर्तित हो जाती है। आशक्ति विरक्ति में कैसे बदलती है? भगवान महावीर के जमाने की एक कहानी है, कहानी नहीं घटना है। भगवान महावीर का समवसरण राजगृही में लगा हुआ था। सम्राट सैनिक विपलाचल पर्वत की ओर भगवान के समवसरण में दिव्य धनुष के श्रवण के लिए जा रहे थे। रास्ते में देखते क्या है कि एक तरुण तपस्वी अपनी कमनीय काया के साथ आत्म ध्यान में निमग्न है। सैनिक ने जैसे ही उन मुनिराज को देखा, एकदम खिंचा सा चलाया, रथ से उतरा, मुनिराज की वंदना की। मुनिराज ध्यान में थे, श्रेणिक मुनिराज को देखा तो देखता सा रह गया। थोड़ी देर बाद मुनिराज का ध्यान पूर्ण हुआ, उन्होंने श्रेणिक और चेलना दोनों को आशीर्वाद दिया। श्रेणिक ने मुनिराज को देखा और आश्चर्य मिश्रित भावों से पूछा, प्रभु इतनी अल्प वय में इतनी कोमल काया के साथ आपने इस तपस्या का मार्ग क्यों चुना? सम्राट इसलिए कि मैं अनाथ था। आश्चर्य, इतने सुंदर सुकोमल तन के धारी, इतने कांतिमान और दुतिमान युवा को कोई नाथ नहीं मिला, कोई साथ नहीं मिला, जिसे स्वर्ग के कल्प कुसुम शैया पर कीड़ा करना चाहिए, उसने जंगलों का कंटका कीन मार्ग चुना है। युवक नादान मालूम पड़ता है। आश्चर्य, तुम्हें कोई नाथ नहीं मिला, कोई साथ नहीं मिला। सम्राट सैनिक के राज्य में कोई अनाथ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें शनाथ करूंगा राजन, तुम और तुम्हारा साम्राज्य ये स्वयं अनाथ है, तो मुझे क्या साथ दोगे? उन्होंने कहा, रानी चेलना तुम्हें त्राण देगी। महाराज वो भी तो अनाथ है, फिर वो मुझे क्या साथ देगी? श्रेणी का आश्चर्यचकित, जिसके महलों में स्वर्ग का वैभव न्योछावर होता है उसे अनाथ कहा जा रहा है। सैनिक विस्फारित नेत्रों से मुनिराज को देखते रहा। अब मुनिराज ने कहा,
सम्राट, काश अनाथत्व और सनातत्व के परम अर्थ को तुम जान पाते, पर वह तो केवल अनुभव गम्य है। सैनिक ने कहा, महाराज यदि आपत्ति ना हो तो मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा। तो उन मुनिराज ने अपनी आत्मगाथा सुनाते हुए कहा कि सम्राट, उज्जैनी नगरी के राजा मेघ विजय का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका ही पुत्र मेघरथ हूं। एक बार मेरे शरीर में तीव्र दाह ज्वर व्याप्त हो गया और ज्वर के तीव्र दाह और ताप में मेरे अंग अंग अंगारों से उमेटने लगे। मैं अपनी उस ताप की पीड़ा से कराहता तो मेरे परिजन आंख मूंद लेते, यही मेरा अनाथत्व था। जब मैं अपनी वेदना से कराह भरता तो मेरे भाई बंधु अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, यही मेरा अनाथत्व था। चंद्रकांत मणि का शीतल जल भी मेरी पीड़ा को हर नहीं सका, यही मेरा अनाथत्व था। बड़े बड़े वैद्यों के द्वारा दी गई औषधियां और रसायन भी मेरे उत्ताप को कम न कर सके, यही मेरा अनाथत्व था। मेरे उस करुण क्रंदन को सुन मेरे भाई बंधु अपने कान बंद कर लेते, यही मेरा अनाथत्व था। मेरे पिता का प्यार भी मेरी पीड़ा को हर न सका, यही मेरा अनाथत्व था। मेरी मां की ममताली गोद भी मुझे त्राण न दे सकी, यही मेरा अनाथत्व था। मेरी एक प्राण प्रिया पत्नी थी, वो मुझे बहुत चाहती थी और वह 24 घंटे मुझ में ही रमे रहती थी। और एक रोज मेरी पीड़ा पराकाष्ठा पर पहुंची, वो मेरे बाजू में रहकर मेरे सिर को मलने लगी, पर मेरी पीड़ा नहीं हर सकी। कुछ देर बाद उसके आंखों का आंसू मेरे गाल पर गिरा और व्यर्थ होकर ढुलक गया। मैं अंतिम रूप से अनाथ हो गया और तभी मैं अपने भीतर के भीतर जागा और मैंने तय कर लिया, यदि मेरा ज्वर उतर जाए तो मैं सीधे भगवान महावीर के चरणों में जाकर दीक्षित हो जाऊंगा। यदि मेरा ज्वर उतर जाए तो मैं सीधे भगवान महावीर के चरणों में जाकर दीक्षित हो जाऊंगा। राजन, इतना सोचते ही मेरा ज्वर उतरते ज्वार की भांति उतर गया। पल में मेरा ज्वर शांत हो गया और सुबह उठते ही मैं भगवान महावीर के चरणों में समर्पित हो गया और पूर्ण शनाथ हो गया। श्रेणी को बात समझ में आ गई? आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। जीव तू भ्रमत सदीव अकेला, इस बात को ध्यान में रखो। अपना सुख दुख आप ही भुगते, होत कुटुंब न भेला। जीव तू भ्रमत सदीव अकेला, सब इकट्ठे हो भी जाए पर तुम्हारी पीड़ा को हरने वाले नहीं है, किसमें आसक्ति।
सबका अपना अपना कर्म, अपना अपना परिणाम, अपनी अपनी परिणति, जिस दिन तुम इसे समझ लोगे उसी दिन तुम्हारी आसक्ति समाप्त होगी, और जब आसक्ति मिटेगी तो सारी आकुलता स्वतः शांत हो जाएगी। एकत्व भावना अनासक्त होकर के जीने की बात सिखाती है। वो कहती है जल में रहते हुए भी जल से भिन्न कमल की तरह रहो, अलिप्त रहो, कीचड़ में जैसे कमल अलिप्त रहता है वैसे अलिप्तता को अपने हृदय में विकसित करो। वो रास्ता हमारे भीतर घटित होना चाहिए, उस दिशा में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि वैसा हो तो वो हमारा जीवन ही धन्य हो जाए और हम अपने जीवन की दिशा को कहीं से कहीं पहुंचा दे, ये प्रयास होना चाहिए। कौन किसका, जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। सारी यात्रा एकाकी है। जागो जागो जागो, ये तो सपना है। सपना को तुम सच मान रहे हो, कितने देर तक, कितनी देर तक? एक दिन तो सपना टूटेगा, फिर रोओगे। ये संसार के संयोग है, साथ नहीं है। एक अफीमची था, अफीम के नशे में मस्त था और एक पेड़ के नीचे सो गया। इसी बीच राजा की सेना उधर से गुजरी, पूरा लश्कर था। रात्रि विश्राम के लिए पूरा पड़ाव वहां हो गया, एकदम नगर सा बस गया। उसने सोचा अरे वाह, कितनी बड़ी कृपा की परमात्मा ने, मैं अकेला जंगल में आया उसने मेरे लिए नगर बसा दिया। परमात्मा ने मेरे लिए कितना सुंदर नगर बसा दिया। अब क्या था, रात भर मगन रहा, ये इतना बढ़िया नगर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुबह हुई तंबू खड़ने शुरू हो गए, पूरा लश्कर निकल गया। तंबू खड़ने लगे तो उसने डपटते हुए कहा, ए जी कहाँ जा रहे हो? अरे तुम कौन होते हो जी, हमें जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। बोले जा कहाँ रहे हो, ये तो भगवान ने मेरे लिए भेजा था। बोले कौन भगवान, कैसा भगवान, किसके लिए भेजा? बोले ये नगर तो भगवान ने मेरे लिए बसाया। बोले मुगालते में मत रहो, न तेरी मर्जी से हम आए न तेरी मर्जी से जाएंगे, अपने लिए आए हैं, अपना काम करके चले जाएंगे। और सब चले गए, वो देखता रह गया। बंधुओं मैं आपसे केवल यही कहता हूँ, अफीमची का नशा उतरा तो उसे समझ में आया, तुम्हारा नशा उतर जाए तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। नशा उतरना चाहिए, एक न एक दिन ये तंबू उखड़ेगा, पुत्र उत्पन्न हुआ, क्या बड़ी बात, जैसे कोई नई चीज आपने टपका ली। परिवार बसा, आहा क्या अच्छी बात, मैंने कितना बड़ा अचीवमेंट कर लिया। ये जो सोच है इस सोच को बदलिए। सब संयोग है, अपने अपने निमित्त से आए हैं और अपने अपने निमित्त से जाएंगे। तंबू एक दिन उखड़ना है, इससे पहले कि तंबू खड़े अपने आप को जगा लो। आशक्ति, लोग कहते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, सच्चाई ये है कि सब अपने लिए रोते हैं। लोग कहते हैं कि लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, सच्चाई ये है कि सब अपने लिए रोते हैं। एक आदमी की धर्म पत्नी मर गई, बहुत दुखी हुआ, बहुत जोर जोर से रो रहा था। धर्म पत्नी मरी, बेचारा बहुत जोर जोर से रो रहा था। आसपास की महिलाएं इकट्ठी हुई और कुछ महिलाओं ने कहा कि भैया साल भर पहले तेरी दादी मरी तो तू इतना नहीं रोया, 6 महीना पहले तेरी माँ मरी तो इतना नहीं रोया, पत्नी से ऐसा क्या प्यार जो इतना रोए जा रहा है? साल भर पहले तेरी दादी मरी तो इतना नहीं रोया,
छह महीना पहले तेरी माँ मरी तो तू इतना नहीं रोया, पत्नी से आखिर ऐसा कौन सा प्यार जो तू इतना रोया जा रहा है। उसने कहा छोड़ो प्यार व्यार को, दादी मरी तो पूरे मोहल्ले की महिलाएं आ गई कि दादी चली गई तो क्या हुआ, हम तो है। माँ मरी आसपास की सारी महिलाएं आ गई कि माँ मरी तो मरी, चिंता की बात नहीं, हम तो हैं, पत्नी मरी सुबह से कोई नहीं आया। सब अपने लिए रोते हैं। ये सच्चाई तुम्हारे भीतर हो तो तुम केवल कर्तव्य के भावना से काम करोगे, कर्तव्य निभाओगे, उनसे अटैच नहीं हो पाओगे। कर्तव्य भाव से काम करिए, जीवन को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है। एकत्व भावना हमें ऐसी आसक्ति से बचाती है। दूसरी बात है अपेक्षा। मनुष्य के मन में अपेक्षाएं बहुत होती है, और जब हम एक दूसरे की से अपेक्षाएं रख लेते हैं, उसकी पूर्ति नहीं होती तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं, और यही किसी की उपेक्षा को बर्दाश्त न कर पाने के कारण लोग घोर अवसाद के शिकार हो जाते हैं, हताशा से भर जाते हैं, घोर दुख होता है। ये तय है जहां अपेक्षा होगी वहां उपेक्षा प्रायः होती है। अपेक्षा रखो क्यों? जो लोग अपेक्षा से जीते हैं वो उपेक्षित होते हैं। कदाचित सामने वाला उनकी अपेक्षा उपेक्षा ना भी करे, पर अपेक्षा पूरी ना होने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते। भैया इतनी अपेक्षा रखते क्यों? किसी से किंचित भी अपेक्षा मत रखो, क्योंकि तुमने ये जो अपेक्षाएं पाली है तुम्हारे मन का अज्ञान है। कोई किसी की अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर सकता। आप अपने आप को समझो, मेरे जीवन में जो भी संयोग होंगे वे मेरे शुभाशुभ कर्म के निमित्त के होंगे। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन ये देह जुदी होगी। ये हमारा सब कुछ हमारे शुभाशुभ कर्मों के ऊपर निर्भर है। उपादान मेरा है, सामने वाला तो केवल निमित्त है। निमित्त को मैं पकड़ूंगा दुखी होऊंगा, उपादान को देखूंगा आज हमेशा सुखी रहूंगा। आज मेरे लिए कोई वेदना है तो मेरे पापोदय से भोगना मुझे है। इस वेदना में कोई मेरी सेवा कर सकता है, भैया वृत्ति कर सकता है, पर सहना तो केवल मुझे ही होगा। मैं अपेक्षा क्यों रखूं कि दूसरे मेरे आकर के खूब सेवा करे, वो करे उनकी इच्छा न करे उनकी इच्छा, पर सहना तो मेरी मजबूरी है, और मैं इसे रोकर सहूं तो सहना होगा, और क्षमता भाव से सहूं तो सहना होगा। सहना तो आखिरकार मुझे सहना है और अकेले को सहना है। क्या होता है, एक आदमी बीमार पड़ जाए तो उसके मन में अपेक्षा होती है पूरा घर मेरी सेवा में रहे। अब तुम बीमार हो और 24 घंटा पूरा घर तुम्हारे साथ रहे तो घर बीमार हो जाए, होगा कि नहीं होगा? अपेक्षा क्यों रखते हो, इतनी अपेक्षा क्यों रखते हो? भाई ठीक बीमार हैं, उपचार हो रहा है, परिवार के लोगों से इतनी अपेक्षा रखे कि समय पर औषधि मिल जाए और ठीक भोजन मिल जाए, इतना तक तो चलता है। लेकिन ये अपेक्षा कि 24 घंटे यहीं रहो, कोई जाओ मत, होता है कि नहीं होता? क्यों? अगर एकत्व भावना तुम्हारे मन में समा जाएगी तो ये कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि मालूम है अब सहना तो मुझे ही पड़ेगा। ठीक, जितना बन सके सहूं, ये बर्दाश्त करो। एकत्व की गहराई में जाने के बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, मनुष्य स्वतः ये सब चीजें स्वीकार करना शुरू कर देता है। वो स्वीकृति का भाव भीतर से आने लगता है।
दूसरी अपेक्षा परिवार परिजन से। कल कहा गया था माँ बाप अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी एटीएम बने रहते हैं, पर बच्चे माँ बाप के लिए कैश कार्ड नहीं बनते। उनका समाधान में पूछा था, बात जच्ची। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, पर बच्चे अंगूठा दिखा देते हैं। ये व्यवहार है। एक दूसरे के साथ इसी तरह के सहयोग और सद्भावना मूलक भाव रखना चाहिए। हमें किसी ने कोई उपकार किया है तो उसके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। और माँ बाप के उपकार से बड़ा तो इस जीवन में कोई उपकार होता ही नहीं, उन्हें तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। लेकिन समय की बलिहारी है, लोग आज उसे भुला रहे हैं। पर बंधुओं, अगर तुम्हारे मन में एकत्व भावना होगी और कर्म सिद्धांत पर विश्वास होगा तो तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, रंच मात्र भी क्षोभ नहीं होगा। क्योंकि तुम हमेशा इस भाव बोध से जुड़े रहोगे कि मैंने अगर अपने संतान की परवरिश की है तो उस पर एहसान डालने के लिए नहीं, कर्तव्य की पूर्ति के लिए की है। वो उसका जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है। मेरा पुण्योदय होगा तो वो खुद मेरी सेवा करेगा, और यदि वो सेवा नहीं कर रहा है तो उसमें दोष उसका नहीं, मेरे पुण्य की छीनता का है, मुझे उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति आकुल होगा। मेरे संपर्क में एक अम्मा जी, देखिए कैसी कैसी स्थिति होती है और धर्म अध्यात्म मनुष्य के जीवन को कैसा बदलता है। मैं सम्मेलन शिखर जी में था, मेरे कमरे में आई और उन्होंने कहा महाराज जी मुझे गुणायतन में कुछ दान देना है। हमने कहा ऑफिस में जाकर के दे आओ। नहीं महाराज, आपको बताना है, हमें कुछ विशेष देना है। डील डॉल देख करके कुछ नहीं लग सकता था कि इसके पास कुछ होगा। साधारण सी साड़ी, वो 200 रुपए की साड़ी होगी, शरीर पर कोई विशेष आभूषण भी नहीं थे, पर भावना थी। और आपके ही पास देना है, कुछ विशेष देना है। आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा क्या है, क्या करती हो? बोले महाराज मैं टीचर थी रिटायर्ड। घर में कौन? बोले बस महाराज, कौन किसका है, मैं तो एकत्व की भावना में डूबी रहती हूं। मैंने उसे कुरेदा, पूछा क्या बात है, तुम्हारी संतान नहीं? बोले महाराज एक बेटा है, पढ़ा लिखा कर उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। मेरे पति आज से 30 साल पहले चले गए। जिस समय पति गए उस समय मेरा बेटा 8 साल का था। मैंने बेटे को पढ़ाया लिखाया, अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। फिर उसकी मैंने शादी कर दी। शादी करने के बाद उसने कोई एक अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी खोलना चाहा, रुपयों की ज़रूरत थी। महाराज मुझसे कह करके मेरे सारे जेवर लिए और मेरा मकान भी बिकवा दिया। महाराज मैं सोचती थी चलो मेरा बेटा आगे प्रोग्रेस कर रहा है, मुझे क्या करना, मैं तो नौकरी कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। पर महाराज उसने मकान बेचा और मुझसे पूछा भी नहीं। मेरे पास अचानक नोटिस आया, मुझे मकान खाली करना पड़ा। और जब मकान खाली करने का नोटिस आया महाराज, मैंने बेटे को फोन लगाया, बेटा फोन ही नहीं उठाया। महाराज 7 बरस हो गए मैं एक किराए के कमरे में रहती हूँ, रिटायर हुए मुझे 4 साल हो गए, अपने पेंशन से काम चलाती हूँ, एक वक्त भोजन करती हूँ, उसी वक्त पानी पीती हूँ। और महाराज मैंने सोच लिया, मैंने व्यर्थ में अपना समय बर्बाद किया। संसार में जितना समय मैंने पर के लिए लगाया, उतना स्व के लिए लगाया होता तो मेरा उद्धार हो गया होता। महाराज मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, मुझे उसका कोई गम नहीं। मैं इसे अपने पुण्य की छीनता मानती हूँ कि मेरा पुण्य इतना कमज़ोर था कि आज मेरा बेटा मेरी उपेक्षा कर रहा है। पर महाराज कौन किसका करता है, मैंने तय किया है अपना जो द्रव्य है इसका सदुपयोग करूँगी। और महाराज जी मैं
आई हूँ रोज सुनती थी और मेरे मन में भावना थी महाराज जी से स्वीकार कर लीजिए। और उसने जो राशि लेकर आई थी वो बहुत अच्छी राशि थी। वहाँ मैंने समिति के लोगों को बोला इसकी भावना का सत्कार करना चाहिए और उसने अपना काम कर लिया, उद्धार कर लिया। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ। मैंने पूछा करती क्या, बोले कुछ नहीं, आप लोगों के प्रवचन सुनती हूँ और स्वाध्याय करती हूँ। और महाराज मैंने मन बनाया अपने आप को व्रती बनाने का, पर एक दवाई मुझे खानी पड़ती इसलिए व्रती नहीं बन पा रही और कुएं के पानी की उपलब्धता नहीं है। पर महाराज अब बस यही चाहती हूँ अंत मेरा समाधि मरण पूर्वक हो और मैं आगे बढ़ सकूँ। ये क्या है, ये एकत्व भावना का प्रतिफल है। अगर उस महिला के अंदर धर्म की समझ नहीं होती तो शायद डिप्रेशन की शिकार हो जाती, रो रो के आधी हो जाती, होती कि नहीं। और आज ऐसा बहुतों के साथ है। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जिस समय पढ़ाने लिखाने की बात सोची उस समय तो यही सोचा और केवल एक ही बात सोची, मेरा बेटा कुछ बन जाए। आपने बेटे को कुछ बना दिया पर बेटा नहीं बना पाए, वो कुछ और बन गया, वो इंजीनियर बन गया, MBA कर लिया, CA हो गया, डॉक्टर बन गया, वैज्ञानिक बन गया, बेटा कहाँ रह पाए। अब वो दूर देश में जाकर के बस गया है, तुम अकेले हो और कोई नहीं। फोन करते हैं, बेटा पापा अभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल बैक करता हूँ। फोन करते हैं, अभी मैं मीटिंग में हूँ, अभी बात करता हूँ। यही बातें आती ना, मेरे को जब टाइम मिलेगा ना मैं कॉल करूंगा। इंतजार कर रहे हैं, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए, सो गए। यही होता है, क्यों ये दुर्गति अपनी क्यों करा रहे हो। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता और उसी मोह के प्रपंच में उलझ कर सारी जिंदगी आंसू बहाने को मजबूर हो जाते हैं। इतनी अपेक्षा क्यों रखो, संतान को जन्म दिया, मेरा कर्तव्य है उसको पांव पे खड़े करूं। पांव पे खड़ा हो गया, उसने अपना घर बसा लिया, वो जाने, अब हम अपने आप को परमार्थ में लगाएं, अपेक्षाएं खोले छोड़े और अपना स्वयं के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह करें। तुमने एक दायित्व का निर्वाह कर लिया जो तुम्हारी संतान के प्रति थी, स्वयं के प्रति जो दायित्व है उसका निर्वाह कब करोगे। अब अपने उत्तरदायित्व को समझो, अपने कल्याण के रास्ते को अपनाओ, उस अपेक्षा से अपने आप को बाहर कर लो, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। मेरा बेटा पूछता नहीं, अरे पूछने की अपेक्षा क्यों रखते हो। अपने जीवन में मुझसे एक बार किसी ने कहा, बोला महाराज आजकल माँ बाप की जितनी उपेक्षा होती है वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं, पुराने जमाने में भी वृद्धाश्रम होते थे क्या, ऐसी दशा थी क्या। हमने कहा शास्त्रों में तो कहीं वृद्धाश्रम का उल्लेख नहीं देखने को मिला, वृद्धाश्रम तो भारत की संस्कृति पर कलंक है। तो पूछा महाराज आखिर ऐसा क्यों, बोले बात ऐसी है कि पहले बच्चे माँ बाप को धकेल कर घर से बाहर निकाले उससे पहले ही वो घर से निकल जाते थे, वानप्रस्थी हो जाते थे। अब 80 और 90 वर्ष की उम्र तक घर में चिपके रहेंगे तो धक्का तो खाना ही पड़ेगा। चिपके रहोगे तो दुर्दशा तो होनी है। हमें अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। एकत्व का बोध हो जाए तो फिर तुम्हारे मन में कभी किसी से अपेक्षा नहीं होगी, और जब अपेक्षा ही नहीं होगी तो किसी के उपेक्षा के शिकार नहीं होगे। रिटायरमेंट के बाद अधिकतर लोगों को आप देखिए, सब कहीं न कहीं अवसाद से ग्रसित हैं। एक ही बेटा एक ही बेटी दोनों बाहर, अब बूढ़ा बूढ़ी घर में उनकी संपत्ति की रखवाली कर रहे हैं चौकीदार बनकर। और क्या कर रहे हैं, एक सज्जन मेरे पास आए, उनका 2 बेटा बेटी नहीं, एक लंदन में और एक अमेरिका में, दोनों वेल सेटल, वो अकेले भारत में रहते हैं। उनके 7 मकान हैं,
जिंदगी में काफ़ी कमाया, मकान बनाया, रहते हैं। मेरे पास आए, हमने कहा बाबूजी आपके पास कौन रहता है? बोले महाराज मेरे पास एक नौकर है और बहुत अच्छा सेवक है, उसकी तरफ इशारा कर, मेरा बहुत ख्याल रखता है। बोले बेटा? बोले बस महाराज जी सप्ताह में एक दिन बात हो जाती है दोनों बेटों से, कभी एक से कभी दूसरे से, महाराज बहुत बिजी रहते हैं, उन्होंने काम वाम बहुत फैला दिया है। अच्छा, बच्चे आते हैं? बोले ढाई तीन साल में एक बार आ जाते हैं। अच्छा, बाकी महाराज ये है कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। मैंने ऐसे ही पूछा, ये बताओ मरने के बाद तुम अपनी संपत्ति किसको दोगे? मरने के बाद अपनी संपत्ति किसको दोगे, पास रहने वाले सेवक को या दूर रहने वाले बेटे को? बोले महाराज ये भी कुछ पूछने की है, महाराज संपत्ति तो बेटे को ही देना होगा। हम बोले जो बेटे तुम्हारे काम में नहीं आते उसको संपत्ति देने की बात क्यों सोच रहे हो, जो तुम्हारे सामने उसको दो, उनको क्या कमी है जो तुम उनको देने की बात सोचते हो? महाराज ये जो संपत्ति है ना, इसमें मेरी भी है और उन बच्चों ने भेजा है, वो भेजते जाते हैं महाराज, हम संपत्ति बढ़ाते जाते हैं। तो हमने कहा तुम अपने बच्चों के संपत्ति के चौकीदार बने बैठे हो और क्या कर रहे हो, अपने आत्मा के चौकीदार कब बनोगे, अपने आत्मा के बारे में कब सोचोगे, ये तो विचार करो। कितनी बड़ी विडंबना है, उस जड़ के पीछे उलझे रहते हो जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसका कोई महत्व नहीं। चेतन को तो पहचानने की कोशिश करो, अपेक्षाएं समाप्त करो, उपेक्षा का दंश कभी नहीं मिलेगा, जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाएगी। जीवन में दो बातों को सदैव याद रखो, किसी से अपेक्षा मत रखो और किसी की उपेक्षा मत करो। किसी से अपेक्षा मत करो रखो और किसी की उपेक्षा मत करो। तुमने अपेक्षा रखी नहीं और किसी ने तुम्हारी उपेक्षा कर दी, उपेक्षित मत हो। और कोई तुम्हारी कितनी भी उपेक्षा करे, अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। ये चार बातें जीवन में आ जाए, जीवन का उद्धार हो जाए। अपेक्षा मत रखो, किसी की उपेक्षा मत करो, किसी की उपेक्षा होने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस न करो, और किसी से अपेक्षा की पूर्ति न होने पर अपने मन में आकुलता का अनुभव न होने दो। ये हमारे जीवन में आना चाहिए, एकत्व की भावना से परिपूर्ण व्यक्ति के जीवन में ये बातें सहज रूप से प्रकट हो जाती है। तो हमें हमारे जीवन में उसी अनुरूप अपने जीवन की धारा को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो एकत्व भावना का लाभ, आसक्ति खत्म होती है, अपेक्षाएं खत्म होती है, आत्मबोध जगता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, स्वयं की पहचान होती है। और आत्मबोध जगने के बाद स्वावलंबन की भावना आती है, परावलंबन समाप्त, पर मुखापेक्षिता खत्म, अब मैं किसी और पर डिपेंड नहीं, दूसरी जगह की तरफ ताकने की जरूरत नहीं, अपने अंदर झांकने भर की देर है। लोग बाहर ताकते हैं, संत कहते हैं भीतर झांको, बाहर क्या ताकना, अपने भीतर झांकने की कोशिश करो, अपने आप को निहारने का प्रयास करो। अपने अंदर जब डूबोगे तभी तुम मोती पा सकोगे, बाहर तो केवल कंकड़ पत्थर है, इनके चक्कर में तो अपने जीवन का बहुभाग बिता दिया। अब अगर जीवन में क्षण मिला है तो इसका उपयोग करो, जीवन को सही दिशा दो, जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तब हम अपने जीवन का वास्तविक लाभ ले सकेंगे। यही एकत्व की भावना है जो आगे चलकर अध्यात्म की गहराई में ले जाती है। एगो में सास दो आदा, नान दंसन रखनो, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लखना। एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ जो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, मुझसे बाहर जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, संयोग है साथ नहीं, मेरे पास हैं मेरे नहीं, क्या मेरे पास है मेरे नहीं, ये अनुभूति पल प्रतिपल विकसित होनी चाहिए। और जिस दिन ऐसी अनुभूति विकसित होगी, हमारे जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाएगी,
हम अपने जीवन को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने में समर्थ हो जाएंगे। तो दुख से बचना है तो एकत्व की भावना का नित्य प्रति चिंतन करे, बार बार सोचे, अपने आप को अकेला महसूस न करे, सब अकेले हैं इस बात का आभास करे। अकेला पड़ गया ये तो कई बार लगता है, वहाँ लाचारी और बेबसी दिखती है, पर मैं अकेला हूँ इसमें सहज स्वीकृति होती है, क्योंकि यही वास्तविकता है। इसमें कोई बेबसी नहीं, इसमें कोई लाचारी नहीं, जीवन की सच्चाई है। और जिस दिन जीवन के इस परम सच्चाई को जान लोगे, इस सत्य का बोध होगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की धारा में परिवर्तन होगा। अपने आप को जगाइए, कहाँ मोह माया में फंसे हैं, कितने अज्ञान में भटक रहे हैं, पल पल में एक दूसरे के साथ हमारी जो उलझन है उसका मूल यही है। ये भेद विज्ञान जब जगेगा हमारा जीवन धन्य होगा। बंधुओं, समय आप सबका हो रहा है, आज अधिक विस्तार न देकर बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवत् श्री विद्यासागर जी। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन, अर्थात संरचना, सोच, सत्य, संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिश्य पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया, पारसनाथ, अकाउंट नंबर 4809201100004 3, IFSC कोड BKID 000489। गुणायतन गुणात्मक विकास का दिव्य सदन।